मेरा नाम वशिष्ठ है। यह नाम माँ बाप ने नहीं रखा है, मैंने खुद से नाम रखा है। बहुत ही डेंजर अगर कोई लाइन है तो वो है फिल्म लाइन। यह सिर्फ नाम के लिए गांधीनगर है, सच कहूं तो यहां गांधीनगर जैसा कुछ भी नहीं। सपना देखने में पैसा खर्च नहीं होता, सेंसर बोर्ड का भी कोई डर नहीं होता। प्रोड्यूसर्स को कहानी सुनाने के चक्कर में मेरे पैरों के चप्पल घिस गए, लेकिन मेरी कहानी किसी ने नहीं सुनी। बदनसीब को अपना नसीब चेक करने के लिए समुद्र में गोता लगाने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए कि बगैर पानी के मैं डूब रहा था। देखिए, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। वैसे आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए कि वो सिर्फ मुझे दिखाई देता है। दोस्तों ने मुझे सिगरेट छोड़ने की सलाह दी। एक बार हिम्मत करके छोड़ने की कोशिश की, मैं फ्रिज की कहानी छोड़कर कुछ और ही लिखने लगा। दर्शक पसंद करेंगे तो आम लड़का स्टार बन जाता है। इस कहानी का मैं ही डायरेक्टर हूं। डायरेक्टर हूं या नहीं, और 2 घंटे में आप खुद फैसला करेंगे। अरे कल मैंने फेसबुक का प्रोफाइल फोटो चेंज किया, कम से कम 20 लाइक्स तो आने चाहिए। सिट, 150 फिल्टर्स और गूगल के कैप्शन गलती है तो बहुत सारे कमेंट्स और हजारों में लाइक्स आ जाते हैं। 24 घंटे ऑनलाइन में घुसे रहते हैं। हाँ? ये इतने कंफ्यूजन में क्यों खड़ा है? बेचारा लगता है अंधा है, कोई मैटर भी तो नहीं चल रहा है स्टेटस डालने के लिए। ओ, अब क्या करूं मैं? हाँ, आज किसी भी तरह समाज सेवा करके स्टेटस डालना ही होगा। कमाल है यार तू। सर, लगता है आपको रोड क्रॉस करना है, आइए आइए। अरे आइए सर, कोई बात नहीं, आइए आइए सर, आराम से उतरिए, नीचे सीढ़ियां हैं, संभल के रास्ता पार करा के हीरो बन जाऊंगा। सर, इतनी ट्रैफिक वाली सिल्क बोर्ड जंक्शन आप पार कर रहे हैं, पता चल गया क्या? सर आप ग्रेट है सर, आइए सर। ए तू कौन है यार? सलमान खान। आप चलिए सर, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सर। सर एक सेल्फी ले सकता हूँ क्या आपके साथ? ओके, आइए सर। वाह, पहले फेसबुक स्टेटस में डालता हूँ और फेसबुक का टीआरपी मेरा होगा। चलो इसी बहाने एक समाज सेवा कर दिया मैंने। आप ठीक है सर? थैंक यू सर, मैं अपनी नेत्रदान करके आपको आंखें दिलाऊंगा सर, प्रॉमिस। चलता हूँ सर, बाय सर। क्या बात है भाई, अपने आप को बहुत बड़ा फेकू समझता था मैं, ये तो मुझसे भी बड़ा फेकू निकला। तेरी ता। अरे कहाँ चले गए अपने फंटर लोग? क्या यार, पूरे कमरे में अंधेरा ही अंधेरा है। कमरा भी अंधेरे में, इनकी जिंदगी भी अंधेरे में। कहाँ है यार स्विच? बिजली का बिल भरा भी है या नहीं? लगता है बिजली का बिल भर दिया है। इनकी जिंदगी भी इतनी ब्राइट होगी तो काफी है। बहुत मस्त लग रहा है रूम। अरे बाप रे। पता नहीं इस रूम में कितने लोग रहते हैं, 3 लोग या 4 लोग रहते होंगे, लेकिन हमारे डायरेक्टर तो हैंडसम है। अरे वाह वाह वाह, मस्त कलेक्शन जोड़ा है डायरेक्टर ने। वाह 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 वाह। इंडिया के सारे भगवान इस रूम में मौजूद है यार। भगवान सिर्फ मेरा भला करना। कहाँ गए सभी, दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक कॉल करता हूँ। Please try later.
ये नीली फाइल कैसी है? ओहो, लगता है कोई नई स्क्रिप्ट है, है? इस तरह से पूजा पाठ किया है मतलब पक्का हॉरर मूवी होगी। देखते हैं कौन सी स्टोरी है। इसका नाम है राज। हीरो बनने के सारे लक्षण इसके अंदर है। हाइट है, स्माइल है, लेकिन अभी हिट नहीं हुआ इसलिए कि ये इसकी पहली फिल्म है। इसका इंट्रोडक्शन करने के लिए एक बड़ी सी फाइट या एक एंट्री सॉन्ग रखना चाहिए था। बजट की समस्या है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। कॉलेज में ये तो तेरी हिम्मत कैसे हुई लड़की को छेड़ने की? जाके तेरे बाप को बताऊं? भाई पापा को मत बताना, वैसे भी अटेंडेंस कम है, प्लीज। चल जा। अच्छा लड़का समझकर नंबर दिया तो सारी रात मैसेज करके मुझे परेशान करते हो। एक्चुअली दिन में किसी और लड़की को मैसेज करता हूँ। शट अप। हॉल में बैठना छोड़कर सीधे बेडरूम में आ जाते हो क्या? हाँ। गेट लॉस्ट। इसका नाम है राहुल। आज की जनरेशन में कंपेयर करेंगे तो अच्छा लड़का, मर्करी से ज्यादा स्लो, ट्यूबलाइट से ज्यादा फास्ट है। ये इंश्योरेंस कंपनी में सेल्स मैनेजर है। इसके इकलौते बाप की कसम, इसे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं। सुबह में ये एमआरपी वाला पैक बॉटल जैसा रहता है। अगर मैं सच कहूं तो इसको एक बार भी प्यार नहीं हुआ। बिना टेस्ट ड्राइव का शोरूम की गाड़ी के जैसा है। कौन है यार ये? एक मिनट। हाँ या बेबी। नहीं, ऐसी बात नहीं है बेबी। अरे ये तो गया काम से। कॉलेज में भी यही नाटक है, मैदान में भी यही नाटक, हमेशा लड़कियों के पीछे भागता रहता है। ये तो फिक्स हो गई। रेडी? ये सारे कमीने तो जाके बैठ गए। हेलो। गणपति बप्पा, अच्छा कस्टमर भेजना ताकि मेरा फायदा ही फायदा हो। ओके सर। ग्लासेस तो सारे बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सर। बट दरअसल बात यह है कि क्या सर? सर आपने इंश्योरेंस कराया है क्या? नहीं सर। वो क्यों? सर प्लीज एक इंश्योरेंस करवा लीजिए ना। ओ, आप इंश्योरेंस वाले हो क्या? सर एक इंश्योरेंस करवा। नहीं नहीं नहीं, नहीं चाहिए। नहीं सर, मरने के बाद बहुत पैसे आएंगे सर। अरे कैसी बात कर रहे हो यार, अभी मैंने भगवान को अगरबत्ती जलाया, तू मेरे फोटो पे अगरबत्ती जलाना चाहते हो? ऐसी बात नहीं है सर। इंश्योरेंस का मतलब है जरूरत पड़े तो उसे लेकर उसका उपयोग कर सकते हैं सर। सर कार, बाइक, बेजान चीजों का इंश्योरेंस करवाते हैं। जान की कोई कीमत नहीं है क्या? अरे सर नहीं चाहिए। प्लीज सर,
एक काम कीजिए सर, आज एक अच्छा ऑफर है, मूवी टिकट फ्री है सर आज के दिन कपल्स के साथ, आप और आपकी वाइफ बड़े शान से मॉल में फिल्म देख सकते हैं सर। पत्नी के साथ नहीं जाऊंगा, अगर जाना होगा तो सिर्फ गर्लफ्रेंड के साथ जाऊंगा। ठीक है सर, ओके। अरे नहीं 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 नहीं, मैं जाने के टाइम बताऊंगा, आकर बनवा देना, अभी जाओ आप। सर ले लीजिए सर। अरे नहीं 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 सर, मेरा बॉस आज तो गला घोट के मार देगा मुझे। ये देखो सूरज भी आ चुका है। सूरज नहीं तो क्या तेरा बाप आएगा? अरे बाप रे, बाप के नाम से एक काम याद आ गया। तुम्हारा बाप टेररिस्ट है क्या? क्या कहा? तुम एटम बॉम्ब हो ना, इसीलिए मैंने कहा कि तुम्हारा बाप कहीं टेररिस्ट तो नहीं। ऐसा तो नहीं है, मैं चलता हूं। बिजनेस कैसी तैसी हो गई, ट्रैफिक भी जाम है पूरा। सर क्या बात है यार? सर पैसा दीजिए सर। अरे जाना यार। सर दीजिए ना सर। चुपचाप जाना भाई, आपका भला होगा सर, दीजिए ना। टाइम वेस्ट मत कर, जा यहाँ से। 5 रुपए दे दो सर, प्लीज सर दे दो ना। ये भी पीछे पड़ जाता है, चेंज नहीं है भाई, जा यहाँ से। कार्ड है तो दीजिए सर। कार्ड से दूं? वी एक्सेप्ट कार्ड आल्सो सर, जल्दी दीजिए सर। गाड़ी भी कैशलेस हो गए। पिन डालिए सर। नमस्कार सर। क्या जमाना है भाई। लगता है मेरे बॉस का ही कॉल होगा। हेलो। हेलो। हाँ सर। बिजनेस हुआ क्या? नहीं सर, कोशिश कर रहा हूँ सर। लेकिन एक गुड न्यूज है सर, सुबह टीवी पर मैंने अपना भविष्य देखा था सर, बहुत अच्छा बिजनेस होने वाला है मेरा। अच्छा सच में? हाँ। मेरे भविष्य में किसी पे भरोसा मत करना ऐसा लिखा है। बताओ आज बिजनेस होगा या नहीं होगा? सुनिए सर, हो जाएगा सर, भरोसा कीजिए मुझ पे। जाओ जाओ काम करो। ओके सर, ठीक है सर। लगता है मेरा बॉस पिछले जन्म में खून चूसने वाला मच्छर होगा। क्या कहानी है भाई तुम्हारी, जब देखो फोन करते रहते हो। सर मेरी कहानी बताऊं या सिनेमा की बताऊं? सिनेमा की कहानी बताओ, नए लोगों से पाला पड़ जाता है, क्या करूं मैं भी। वैसे तुम्हें किसी स्टार के साथ काम करने का अनुभव है क्या? सर शादी से पहले एक लड़की वालों को छोड़कर हर जगह यही सवाल पूछा जाता है सर, कोई चांस देगा सर तो अनुभव हो जाएगा ना। समझ गया समझ गया भाई। हेलो सर। हाँ बोलो। सुदीप और दर्शन को लेकर फिल्म बनाने के लिए एक डायरेक्टर मिल गया है। ओके आइए सर, डील करवाता हूँ। ओके ओके आता हूँ मैं। ओके सर जल्दी आइए। अरे डायरेक्टर साहब, स्टार का मार्केट है, आपके पास क्या है? सर मेरे पास हौसला है ना सर। तू ही मेरा बेटा है क्या? ये तो सिर्फ आप जानते हैं या तो ऊपर मेरी माँ जानती होगी, मैं कैसे जानूंगा भाई। अरे करम, अरे किसी लड़की को पसंद कर, उससे लव कर, तेरी उम्र में मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। पढ़ा था पेपर में। मैं एक तरह का मिशन इम्पॉसिबल हूँ। आपको इतना अर्जेंट है तो खुद ही जाके शादी कर लो ना, लेकिन मुझे परेशान मत करो। देखो मेरे लिए तुम अकेले ही काफी हो, इस उम्र में तेरे लिए भाई या बहन को लेकर आना मेरे लिए पसंद नहीं है बेटा। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं डैडी? अरे बेटा अगर ये बात तेरी समझ में आ जाता ना तो इस घर में कभी के तेरे बच्चे घूम रहे होते। हाँ। अरे बहुत पीली आपने, चली जाइए, खाली पीली सर खा रहे हैं बस। तेरी माँ से प्यार करके, कन्विंस करके, कंसीव करने के बाद तू इस दुनिया में आया और एक तुम हो, फूट गए मेरे करम। पापा मैंने भी एक लड़की देखी है पापा। हाँ?
बता बता मेरे बच्चे बता। पापा उस दिन क्या हुआ? जिस दिन मैंने उसे देखा बादलों से बारिश होने लगी। मैं शादी करूंगा तो उसी लड़के से करूंगा, ठीक है? मैरिड लाइफ रेस्टलेस होना चाहिए बेटा। ठीक है पापा। बारिश में लड़की मिल गई है, लगे रहो लगे रहो। सुन लो, मेरी भी मान मर्यादा है, और कितना भीख मांगू मैं तुमसे? कितनी पूजा करता हूं मैं तुम्हारी? किसी लड़की की पूजा करता तो अब तक चार बच्चों का बाप होता मैं। ऑफिस में अलग ही प्रेशर है, बॉस को अब तुम्हें ही कंट्रोल करना होगा। तुम मेरे लिए एक लड़की ढूंढ कर दो, उसका मैं बारिश का छाता बनना चाहता हूं, गर्मी में उसका एसी बनना चाहता हूं, और ठंडी में उसकी जैकेट बनना चाहता हूं। तुम क्या फर्स्ट रैंक राजू हो? नहीं नहीं। अभी खड़े क्यों हो? मनोकामना पूरी हो जाएगी, जाओ मंदिर के चक्कर लगाओ। भगवान की आरती उतारना छोड़कर मेरी आरती क्यों उतार रहा है? चली गई यार। दिखाई नहीं दे रही है। छे, कौन सी पर्ची होगी उसकी? अरे नहीं ये नहीं है। हाँ ये वाली हो सकती है। हाँ कोई देख तो नहीं रहा है। क्या लिखा होगा इसके अंदर? लड़की हो या लड़का हो, एक बच्चा दे दो माँ। ये उस लड़की का नहीं हो सकता, मैंने गलत पर्ची उठा ली। कहाँ चली गई? शह, कहीं नहीं दिखाई दे रही है यार। क्या करूं मैं? लगता है किसी का कॉल आ रहा है। हेलो हेलो राहुल, एक एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, उन्हें एक इंश्योरेंस चाहिए, जाकर उन्हें एक्सप्लेन करो, जितना चाहे छूट बोलो, कुल मिलाकर बिजनेस होना चाहिए, समझ गया ना? ठीक है सर। इंश्योरेंस करवाना भी ऐसा है ना जैसे उनकी मौत का इंतजार करना। शायद यही घर होना चाहिए। कौन है आप? ये शादीशुदा है या कुंवारी है? मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूं। ओहो अच्छा, अंदर आइए। ओह सर नमस्ते। मेरा नाम राहुल है, सेल्स मैनेजर हूं, इंश्योरेंस कंपनी से आया हूं। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। बैठिए बैठिए। ओके थैंक यू। वही सर, मेरे बॉस ने मुझे भेजा है।
आपको इंश्योरेंस की जरूरत है उन्होंने कहा था। जी हाँ, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। मैंने खुद आपके बॉस से कहा था। जरा पानी लेकर आओ। ले लो बेटा। हाँ ठीक है ठीक है। सर, इंश्योरेंस आपको आपकी बेटी का करना है? ए, वो मेरी बेटी की तरह दिखाई दे रही है क्या? सॉरी सर, तो फिर आपकी पोती होगी। शट अप, शी इज माय वाइफ। आपकी वाइफ है? ये कैसे हो सकता है? सर, एक सवाल था। जितने भी सवाल करने हैं पूछ लो। जी, आपकी शादी लेट हुई या उनकी जल्दी हो गई सर? अरे वो मेरी लव मैरिज है। इस उम्र में ये बुड्ढा जोश कहाँ से लाता होगा? पता नहीं जोड़ी किसने बनाई है। बुखार आने पर क्या करोगे? टैबलेट लोगे ना? सर, बुरा ना माने तो एक और सवाल था। जाने दीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ए, कौन है यार? मस्त लग रही है ना? अरे ये देखना यार, फेसबुक में नई आंटी मिली है। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? मस्त लग रही है यार। तुझे कोई मिली नहीं क्या? अरे नहीं यार। ए, क्या हुआ भाई, सुबह सुबह रो क्यों रहे हो? हेलो, क्या हुआ यार? नई आंटी ने टांग दिया या पुरानी लड़की भाग गई? किस लिए रो रहा है यार? यार भाई बता ना कि प्रॉब्लम क्या है, नहीं तो हम सब गलत ही समझेंगे और लोग तेरा मजाक ही उड़ाएंगे। छुट्टी मांगने गया था प्रिंसिपल के पास, लेकिन उन्होंने मारा। अरे ये क्या यार? क्या हुआ यार, हंस क्यों रहा है? ये देख यार। ओ भाई, तू प्रिंसिपल लिखने की जगह गे प्रिंसिपल क्यों लिख दिया भाई? तुझे मारेगा नहीं तो और क्या करेगा? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मेरी माँ ने कहा है किसी से बात नहीं करना, किसी को देखना नहीं। मेरे दादाजी भी यही कहा करते थे, लेकिन अब वो नहीं है। मतलब चले गए क्या? अरे नहीं नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। आधार कार्ड बनवाने वो गांव गए हैं। पता है मेरे दादाजी ने क्या कहा है? कभी भी किसी लड़की के पीछे मत घूमना। अगर किसी बस के पीछे जाओ तो वो एटलीस्ट स्टॉप पे छोड़ देती है, लेकिन ये लड़कियां ना सिग्नल पे छोड़ के चली जाती है। ये देखिए, आपको मिरेकल्स पर यकीन है क्या? एक्चुअली लाइफ में लड़कियां शादी करने से बहुत डरती हैं, और ये देखिए ये यहाँ पे अपने आप बन गया। अगर ढीला छोड़ देता तो प्यार हो जाता है। दिल दोगे तो प्यार नहीं बच्चा होगा, ऐसा मेरी दादी ने कहा है। हर एक का नजरिया अलग होता है। हाँ, आप जाइए। वैसे आपका नाम क्या है? गीता। अच्छा हुआ काजल नहीं है, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती, जिस तरह से सनी देओल की जिंदगी जीत फिल्म में बर्बाद हो गई थी। अरे मैं कॉलेज ज्वाइन होकर अभी तक 4 घंटे भी नहीं हुए, अभी से मेरे पीछे पड़े हो? हे सर, अजनबी लड़की का पीछा मत करो। ठीक है,
क्या ठीक है? वो क्या है, आज पहचान करते हैं, कल से पीछे पड़ जाता हूँ। अरे इसका मैं क्या करूँ, मुझे क्लास के लिए बहुत देरी हो रही है और मुझे क्लासरूम भी ढूंढनी है। अरे सुनिए, मोबाइल में लोकेशन डालिए, तुरंत मिल जाएगा। जोक कर रहे हो क्या? पता चल गया क्या? यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आपके जैसी लड़की पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। ठीक है, मेरा क्लासरूम आ गया है, अब मैं चलती हूँ। मैं यहीं रुकूं? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वो मंदिर वाली लड़की मुझे दोबारा मिली ही नहीं। हो सकता है कि उसे भी प्यार हो गया हो। देखो यार, हर राइटर की कहानी ऐसी ही होती है, वो सिर्फ हिट फिल्म का नाम लेते हैं। फ्लॉप फिल्म्स का लिस्ट दिखाऊं क्या तुझे? पूरे साल 200 फिल्में बनती हैं, उसमें हिट होने वाली 2 या 4 ही होती हैं। इसके बाद भी फिल्म बनना बंद नहीं होती है ना सर? ये भी सच है, फिल्म लाइन में आने वाले सभी तेरी तरह सपने लेकर ही आते हैं। दूसरों को छोड़, मुझे देखना, मैं भी तेरी तरह सपने लेकर आया था, लेकिन आज कम से कम एक चाय की दुकान खोलकर एटलीस्ट एक बुलेट खरीद पाया हूँ। तुम क्या करोगे बेचारे, उस वीकेंड विद रमेश का शो देखकर इंस्पायर होकर आयो ना। मुझे तो तुम्हारी स्टोरी स्क्रीन प्ले की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे अनुभव से सबक सीखना है। इसीलिए स्कूल में जब मास्टर जी पाठ पढ़ाया करते थे तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं गया। माँ बाप को समझने के समय पर मैं बहरा हो गया था। मैं बहुत कुछ हार चुका हूँ, फिर कोशिश करना नहीं छोड़ा। सक्सेस एक ना एक दिन रास्ता भटक कर भी उसे मेरे पास आना होगा और वो जरूर आएगी। कुछ पैसा है क्या? वो किस लिए? जाकर सिगरेट ले लूं। इसकी कोई कमी नहीं है यार। सभी फिल्म वालों को शराब और सिगरेट नया जोश देता है। हाँ ये लो यार। अपने चादर से पैर बाहर जाएगा तो भी चलेगा, मुझे फहलाने की आदत है, मुझे कंफर्ट लाइफ पसंद नहीं है यार। इस फिल्म के डायलॉग्स तेरे हैं क्या? मेरे। अरे राज, क्या हुआ भाई? गीता को परेशान कर रहा है। कौन? चल मेरे साथ। गया हीरो, तेरी आइटम को छूने से पहले ही तू यहाँ आ गया। ए, एक और हफ्ता छोड़ के आना चाहिए था ना, तब तक उसका काम तमाम हो जाता है। मैंने अभी कुछ किया नहीं और डरना शुरू हो गया। ए, ये बैट देख रहा है, एक ही शॉट में ग्राउंड से बाहर कर दूंगा, समझा? डायलॉग शुरू करने से पहले फाइट स्टार्ट करते हैं, गेट बंद कर, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। Yeah.
चल रही है। तो जान से मार देता इसको। मैंने सही कहा था, वो ठीक नहीं है। तुम उन्हें मार कर आ रहे हो? आज के बाद वो अपनी बहन से भी बात करने से डरेगा, ऐसा मारा है उसे। कौन सा क्लास है? फर्स्ट ईयर। और आपका? सेम क्लास। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो कांटेक्ट कर लेना। एग्जाम टाइम में क्वेश्चन पेपर दिला सकते हो क्या? अरे चुप रहो। अरे कुछ नहीं होगा, तुम चुप रहो। नंबर तो ले लो। सॉरी। हेलो हेलो हेलो। जब नंबर लोगी तभी तो हार्ट में एंटर होगी। हेल्प करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ यार। चल भाई, वैसे कॉलेज में लड़कियों की कमी नहीं है। और क्या हाल है बता? तुम बिजनेस कैसे करते हो यार? एमबीए करने के बजाय एक चाय की दुकान खोल लेता ना तो बड़े आराम से जिंदगी कटती मेरी। बिना कुछ बोले ना, कुछ बिकता नहीं है। कल क्या हुआ पता है? मुझे एक कस्टमर मिला 5 लाख वाला। क्या? हाँ, मैंने 5 को 50 बोल दिया, कस्टमर ने भरोसा करके दे दिया। 5 का 50 कैसे मिलेगा यार? उसके मरने के बाद। ये तो धोखा है यार। हेलो, मैं थिएटर के पास। हाँ ठीक है, अभी आया। मेरी लवर ने कॉल किया है, हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं। तेरी लवर? कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं? इंग्लिश मूवी यार। हिंदी मूवी देखो यार। ए, आजकल हिंदी मूवीज हिट होती हैं यार, कोई फ्लॉप मूवी देखने का मूड है? फ्लॉप मूवी देखोगे तो दोनों बोर हो जाओगे यार। बिल्कुल नहीं, फ्लॉप मूवी जाएंगे तो दोनों बिजी हो जाएंगे, बोर नहीं होंगे। ठीक है भाई, जाओ तुम लोग। तुम मिस्टर बीन की तरह हमेशा ऐसे ही रहो। अच्छा ठीक है भाई, जाओ जल्दी से, बड़ा हो जा। अरे जाना। वो मंदिर वाली लड़की इन ड्रेसेस में अच्छी लगेगी ना? अच्छा कॉलेज है ना? पता नहीं यार, मेरे लिए तो सब ठीक है। कहाँ चला गया? अरे यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? हमेशा देखा गया है कि लोगों का हार्ट गुम होता है, लेकिन मेरा मोबाइल गुम हो गया। सुबह से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया है, समझ में नहीं आ रहा है। मोबाइल? सुनिए, अपना मोबाइल दीजिए। ये लो। डायल करके देखता हूँ। शराफत से नंबर मांगा तो नहीं दे रही थी, अब मजा चढ़ा था। अरे यार, तुम अपना मोबाइल मुझे क्यों देकर के आ गए? हाँ? अरे यार, ये कहाँ से आ गया? ये लो अपना मोबाइल, मुझे क्लास के लिए देरी हो रही है। आपको देखा ना तो वहीं भूल के आ गया। हाँ बेल जा रही है, बेल जा। थैंक यू सो मच। जब मैंने आराम से मांगा तो नंबर नहीं दे रही थी। यस। कौन सा मैसेज भेजूं यार? जानू बोलूं क्या उसे? गंदा है। पूछूं क्या कि क्लास में क्या चल रहा है? Spare is the locus of point. Mister, it's already too late. I'm sorry. देर हो गई क्या? आपको क्यों इतना फील हो रहा है? It's okay. What happened? You please carry on. Mister, आकर बैठ जाइए. Thank you. मिस्टर, यहाँ फर्स्ट बेंच खाली है ना? यू कैन सिट हियर राइट। देखिए मैडम, क्लासरूम हो या फिर थिएटर में हो, सिंगल रहो
या पार्टनर के साथ रहूं, मैं हमेशा से लास्ट बेंच की कॉर्नर सीट पे बैठता हूं। अगर थिएटर फुल रहेगा तो मैं हिट फिल्म थोड़ी ना देखता हूं। शट अप। स्टैंड अप। अरे यार क्या हो रहा है। गेस्ट लेक्चरर को गेस्ट की तरह रहना चाहिए। देखने में तो वैसे काफी सुंदर लग रही है। इस कॉलेज से राजी होने से अच्छा है इस्तीफा देकर मैं अपने घर चली जाऊं। तू देखने में इतनी सुंदर, मेरा दिल फिसला जाए, मैं क्या करूं हो रब्बा। मेरे महान हीरो, तेरा आशीर्वाद मेरे साथ रहे। सपोज नंदिनी जी वहां से मेरे केबिन में आएंगी। नंदिनी एंटर्स। गुड मॉर्निंग मिस्टर हरीश। हाय, गुड मॉर्निंग मिस नंदिनी। टेक इट। थैंक यू मिस्टर हरीश, इट्स सो नाइस। हाँ मिस नंदिनी, आज आप तो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही हैं। आपसे मैं बहुत दिनों से एक बात कहने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। आपसे मैं तहे दिल से प्यार करता हूँ। I love you। अरे आपको मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ रे। You stupid! नंदिनी। सर मैं नंदिनी नहीं, सुहासिनी हूँ। ओ सुहासिनी, आपको एक बात बतानी है। सर एक कंप्लेंट करनी है सर, क्लासरूम में ये हमेशा देरी से आता है सर, जानते हैं? सर लेकिन मैं कॉलेज तो समय पे आता हूँ ना। क्लासरूम में झगड़ा, मोबाइल में हमेशा बिजी रहता है सर। तेरे डैडी को कंप्लेंट करूंगा मैं। तू बड़ा आया डैडी को कंप्लेंट करने वाला। ओके। मोबाइल दो मुझे। अरे यार किस्मत ही खराब है। अरे यार आज ही होना था क्या ये सब। सर देखिए सर, आपके नंबर को रॉन्ग नंबर लिखकर सेव किया है। अपने नंबर को अपने पापा का नंबर बताकर आपको बेवकूफ बना रहा है सर। ये देखिए सर। मुझे कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता। ये लो स्टार्ट हो गया। मैं रॉन्ग नंबर हूँ क्या? हाँ तो मिस नंदिनी, सॉरी सॉरी सुहासिनी, इसे मैं 15 days, नो 30 days कॉलेज से सस्पेंड कर रहा हूँ। माय लॉर्ड, एक मिनट। सर आइए ना सर, कुछ बात करनी है। सर मेरा और आपकी बेटी का एक छोटा सा वीडियो बना है। डायरेक्ट आपको दिखाऊं या फिर यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद आप देख लोगे? वीडियो लीक होने के बाद आप एकदम शांत हो जाएंगे। गाड़ी सर्विस पे देना है यार। क्या यार? अरे तू कहाँ था यार, पूरा कॉलेज ढूंढ के आ रहा हूँ मैं। क्यों? क्या यार आखिर क्या मैटर है भाई? अरे कुछ नहीं यार, मेरी गाड़ी सर्विसिंग के लिए गई है। अपनी गाड़ी दे देना यार, एक छोटा सा काम करना है मुझे। वो मेरी गाड़ी सर्विसिंग के लिए गई है ना यार, प्लीज। अरे यार देख यार, किसी भी लड़की को बाइक पे बैठा के ले जा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाइक मुझे जल्दी चाहिए यार। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तुरंत जाऊंगा और तुरंत आऊंगा। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू यार। क्या नौटंकी कर रहा है? शाम को मिलते हैं। ओके बाय बाय। हेलो, कहाँ हो गीता? मैं तो अपने घर में हूँ। ओ, तो तुम्हारा घर रोड पे है या फिर रोड तुम्हारे घर के बीच में है? तुम कहाँ हो? अब कहाँ हो? मैं तुम्हारे घर में हूँ। जब साथ होती हो तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। बस 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 यहीं पर रुका दो। ओके 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 ओके।
ओके बाय टेक केयर। घर कहाँ है तुम्हारा? वहाँ जो रोड दिखाई दे रहा है वहाँ बगल वाला घर। अगर मैं तुम्हारा घर देख लेता तो तुम्हारे रूम में थोड़ी ना आता। मैं हॉल में सोती हूँ। सो फनी। माफ करना, लड़की के पीछे जा रहा हूँ। हेलो हेलो एक्सक्यूज मी। हेलो, आप कहाँ खोए हुए हो? यहाँ पे विजयनगर कहाँ पे आएगा? विजयनगर इस सिग्नल से लेफ्ट जाकर राइट में जाओगे। अच्छा? तो वही विजयनगर मिलेगा। थैंक यू थैंक यू। ये क्या हमेशा मेरी पत्नी की तरह रूठ जाती है? मैडम गाड़ी रुक गई है, थोड़ा चेक करता हूँ मैडम, थोड़ा टाइम जाएगा मैडम, प्लीज मैडम। अरे ये सब क्या हो रहा है? सुबह किसका थोपड़ा देखा था? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो गया इसे? अरे मैं अपनी लाइफ में ना ही अपनी पत्नी को बदल सकता हूँ और ना ही सोटो को। क्या भगवान कैसी हालत कर दी है मेरी। भैया और कितनी देर लगेगा? 10 मिनट मैडम, रेडी हो जाएगा। मैडम सुबह से मेरी पत्नी भी रूठी हुई है, अब ये गाड़ी भी रूठ गई है। आपके लिए दूसरी गाड़ी एडजस्ट कर देता हूँ, आप चले जाइए मैडम, प्लीज प्लीज मैडम। अरे क्या भैया। अरे यार ऑटो बंद हो गया क्या? जी हाँ सर। मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ। हाँ? सर मैडम को कहीं अर्जेंट जाना है, थोड़ा ड्रॉप कर देंगे क्या सर? आइए मैडम, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। किस लिए? बहुत ही डिसेंट लग रहे हैं, ऑफिशियल लग रहे हैं। आइए मैडम, मैं बहुत ही ऑफिशियल हूँ, अब तक अनऑफिशियल कुछ भी नहीं किया। आइए ना, दूसरी हेलमेट भी है मेरे पास। जाकर बैठ जाइए। चांस ले गया। थैंक यू। मायसेल्फ राहुल। की पुरानी आदत है ना इस तरह ड्रॉप करना। आप इस तरह लड़कियों के पीछे मत जाइए, आपके इस ऑफिशियल लुक को ये सूट नहीं करता। थैंक्स फॉर द कंसर्न। एक मिनट, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, लाइफ इंश्योरेंस चाहिए तो बताइएगा, रख लीजिए। ओके फाइन। आपका नाम? इतिहासिनी।
अरे वाह वाह वाह, ओके नेक्स्ट। कौन चाहिए आपको? मैडम एक पार्सल आया है, आपकी दीदी बहन फ्रेंड। आपको चाहिए कौन? इति, इतिहासिनी, एकदम अलग सा नाम है ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ओ इथू ना, वो यहाँ नहीं है, दूसरी जगह है, दीजिए मैं लेकर जाती हूँ। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इम्पोर्टेंट होता है ना, एक काम कीजिए एड्रेस दीजिए, मैं खुद डिलीवर कर दूंगा। वैसे देखने में तो आप बहुत शरीफ लग रहे हो। ठीक है बता देती हूँ। बर्थडे गीता, बर्थडे गीता। थैंक यू। आई लव यू गीता। आई लव यू 2, 3, 4, 5, 6। हेलो। हेलो, इतिहासिनी बात कर रही हैं आप? हाँ बोलिए, मैं ही इतिहासिनी हूँ। जी आपका एक कुरियर आया था। कुरियर? जी। अभी कहाँ हो आप? आपके बिल्डिंग के पास ही। ओके ओके, मैं अभी आती हूँ। जी आइए। मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल किया था कुछ कुरियर के लिए। मैंने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं किया है, ये क्या है देखने दो मुझे। आप जादूगर हैं क्या? क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, आपको देखने के बाद दूसरा सब कुछ गायब हो जाता है। मेरे दिल को आपने गायब कर दिया है। ओह, ऐसी बात है? जी बिल्कुल ऐसी बात है। इंग्लिश अल्फाबेट को रीअरेंज करेंगे तो यू एन आई आसपास ही रखूंगा मैं। क्या बात है, लव है? तो अब तक क्या आपको रामायण सुना रहा था? आखिर लव क्या है? स्टार्टिंग में बिजी होने का एक्टिंग करना, कुछ दिन होते ही फ्री से बिजी हो जाना, पूरे दिन मैसेज करना, सारी रात सपने देखना, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने पर फेसबुक व्हाट्सएप यहाँ वहाँ स्टेटस डालना,
पहले पहले हाथ पकड़ना, एक दिन उसका हाथ छोड़ देना, बहुत से मेगा सीरियल के एपिसोड्स होने के बाद एक दिन उसका हाथ छोड़ देना, यही है ना लड़कों की कहानी। मुझसे शादी करोगी क्या? क्या अपनी खुशी में आप मुझे भूल भी जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपके दुख में आपके साथ रहना चाहता हूँ मैं। आपके लिए मैं पूरी जिंदगी इंतजार करूंगा। आप अंदर जाकर बाहर की उस लाइट को ऑन कर देंगी तो मैं समझ जाऊंगा मेरे पूछे सवाल का जवाब आपकी तरफ से हाँ है। टेक केयर। क्या हुआ यार, क्लाइंट की तरफ से कुछ बिजनेस हुआ क्या? इतनी अर्जेंसी में भागे थे तुम? और थोड़ी देर वहां रहता ना तो मेरे इंश्योरेंस के पैसे तुम्हें मेरी माँ को देना पड़ता। क्या हुआ यार आपको? मैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में जब से फॉलो किया है, मेरा सर अभी तक घूमना रुका नहीं है मेरी जान। आपसे कब मिलूंगा, कब बातें करूंगा सोचकर इंतजार में तड़प रहा हूँ। मिस यू यार। मैं भी आपके लिए तड़प रही हूँ। यहाँ जल्दी आइए, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये है क्या? कोई चांस नहीं, लगता कोई और होगी। अश्विन। मैं क्या? हाँ आप ही। और आप? मैं ही ऐश्वर्या हूँ। आप हैं? जी हाँ। ठीक है मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मैं चलता हूँ। क्यों अश्विन, क्या हुआ? प्लीज। हे अश्विन, आई लव यू यार, आई लव यू अश्विन। उसके फेसबुक पे सिर्फ आंखें दिखी थी यार। आंखें देखकर गया था और गाल देख के वापस आ गया। कुछ भी बोल यार, हमारी गलती है कि हम गलत ट्रैक पकड़ लेते हैं, है ना? सही कहा तूने, चल। थैंक्स यार ड्रॉप करने के लिए, कल मिलता हूँ, ठीक है ना? बाय बाय। हाँ, अपनी हीरोइन को एक कॉल करता हूँ मैं। हेलो। हेलो इति, कहाँ हो तुम अभी? क्यों? तुम्हें देखने का मन हो रहा था, मिलोगी क्या तुम? यही तो मुझे पसंद नहीं है आपसे मिलना, साथ घूमना, पार्क, सिनेमा, ये सब। हेलो सुनो, सॉरी मेरी बात, मैं भारत नगर बस स्टैंड में खड़ी हूँ। हेलो। हाँ आइए। आप क्यों आए हैं? मैं आपके साथ बाइक में बैठकर नहीं जाऊंगी, जाइए। आओ ना चुपचाप। नहीं आप जाइए। क्या लड़की है ये। कौन है ये? कैसा लगा? अब तो आ जाओ भैया, पुरान मॉल लेके चलो। नहीं भैया, इस्कॉन चलिए। हाँ।
भैया नारियल चाहिए क्या? नारियल चाहिए क्या? नहीं चाहिए। नारियल पी लो ना। अरे नहीं पीना यार। पानी वाला चाहिए क्या? अरे नहीं चाहिए यार। जल्दी बैठो। कहाँ थी यार, कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं। चुपचाप चलो, इम्पोर्टेंट काम है। हेलो। हाय। हाय इति। हाँ बोलिए। कहाँ हो तुम? मैं तो ऑफिस में हूँ। अच्छा ऐसा क्या? मैं मिलना चाहता था। किस लिए? एक गुड न्यूज है। तो? मेरे पापा शादी के लिए मान गए। हाँ, कैसे? हम जब शराब पीते हैं तब इतना चकना लाते हैं, तुम इतना खाओगी क्या? और नहीं तो क्या, मेरे पापा से जब भी मांगती हूँ मेरा सर खा जाते हैं। क्या बात है पता है, मैं ना ये सब खाकर तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगी। एक लड़की को क्या खुशखबरी देगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ जैसा फिल्मों में होता है ना कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। बिल्कुल पागल। अरे नहीं 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 नहीं, हमारे राइटर ने तो ऐसा कोई सीन ही नहीं लिखा है। जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? कम कम कम। हे कहाँ ले जा रही हो? क्या बात है बताओ। बताओ ना। मेरा है ना एक छोटा सा सपना है। क्या सपना है? मैं ना शादी करना चाहती हूँ अपने बर्थडे के दिन घर से भागकर। कोई फिल्म देख के आई हो क्या? हाँ। अरे ये मेरा सपना है। ये कोई सपना है क्या? यस। और 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है, लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से 1 हफ्ते पहले ही मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करना पड़ा। नो प्रॉब्लम, इट वॉज अ नाइस मोमेंट। मेरे बर्थडे के दिन ही मेरी शादी होगी, चारों ओर हरियाली होनी चाहिए, बीचों बीच मुझे रहना है। और शादी किससे करोगी? अरे पागल, वो तो तू ही होगा ना। मैच खेलने की उम्र में तुम मुझे अंपायर बना रही हो। मेरे फ्रेंड्स बोला करते हैं फ्लर्ट करते करते रॉन्ग मूव करेंगे तो शादी हो जाएगी, शायद वही हो रहा है अब। अरे क्या सोच रहे हो? कुछ भी नहीं। नाइस ना? शायद हो सकता है। आई लव यू राज। मुझे इस शहर से कहीं दूर लेकर जाओ। मैं ट्रेन से आऊंगी, तुम बस से आना। वो क्यों? बस से आऊंगी तो पापा को पता चल जाएगा, मेरे पापा टिकट डिपार्टमेंट में है ना, इसलिए। ओ, ये बात है, फंस गया बेटा तू। पंडित को कॉल कर लेता हूँ। अरे पंडित जी कहाँ हैं आप? उसका पास्ट ठीक नहीं है यार, मना कर दो उसे। मुझे उसके पास्ट की जरूरत नहीं, शादी करूंगी तो इसी से। इति, आई एम सो हैप्पी। तुम्हारा मुझसे मिलना, मेरे प्यार को स्वीकार करना और मेरे पापा का एक्सेप्टेंस, वाह। यू नो, मेरी एक ख्वाहिश थी कि अपने पसंद से शादी करूंगा। गॉड ब्लेस्ड मी। उस दिन आई लव यू कहने पर तुमने चिल्ला दिया, बट आज हम दोनों की शादी होने वाली है। तुम पर मुझे बहुत ज्यादा गर्व है। हम शहर से बाहर है ना, भगवान को थैंक्स कहो, शायद उन्हें भी खुशी मिले। मैं तुम्हारे नाम को जोर से पुकारना चाहता हूं, इतिहासिनी, आई लव यू। इतिहासिनी, आई लव यू। हम दोनों की शादी
कभी नहीं हो सकती। क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं। सच कह रही हूँ, ये शादी नहीं हो सकती। ये मजाक का समय नहीं है, जल्दी से कह दो कि ये तो मजाक कर रही थी। मेरी माँ ने कॉल किया था, मेरी शादी मेरे एक रिलेशन वाले लड़के से हो रही है, ये मेरी माँ की इच्छा है। तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा है? मैं अपनी माँ के खिलाफ शादी कभी नहीं कर पाऊंगी। तो फिर चलो, मैं चलता हूँ, उन्हें कन्विंस करूंगा, प्लीज। देखिए, पहले से मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैं तो समझ गया। मुझसे कहा था ना कि मुझसे भी अच्छी लड़की मिले, यही कहा था ना? तुम्हें मुझसे अच्छा लड़का मिले मैंने कहा था ना, वो सब डायलॉग था। हाँ, वो सब जाने दो, मेरी एक आशा है। क्या है? लव इज नॉट डिफाइंड बाय मैरिज। दो प्रेमी शादी करें कोई जरूरी भी नहीं है। प्रेमी बनकर ही रह जाते हैं। अरे, सुप्रीम कोर्ट ने भी मंजूरी दी है। नहीं, अब मैं जा रही हूँ। अरे सुनो, तुम दोबारा मेरे पास आओ और मैं तुम्हें देखकर प्यार को याद करूँ और फिर बीच में एक ड्यूएट सॉन्ग हो। भाई, इतना बजट नहीं है मेरे पास। जाओ 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 जाओ, चलो निकलो। राहुल, एक लड़की के ना मिलने से तुम पूरी लाइफ को बर्बाद करो, ये मुझे पसंद नहीं। देखो, चित्रदुर्ग में मेरे फ्रेंड की एक बेटी है, कल जाकर तुम मिलकर आओ उससे। ये लो गाड़ी की चाबी। स्टोरी तो बहुत ही अच्छी है जी। शूटिंग कब से शुरू कर रहे हो? नेक्स्ट मंथ। डेट? आप जब चाहे तब हो जाएगा। हीरोइन उसी को रहने देना। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा कितना भी खर्च हो कोई बात नहीं। जी 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 सर, समझ गया। मैं देने के लिए तैयार हूँ। सर नमस्ते सर। एडवांस कितना चाहिए आपको? 2 करोड़ सर। ठीक है, आपके अकाउंट में आ जाएगा। ओके, थैंक यू सर। बोल भाई, तुझे क्या कहना? सर नमस्ते सर। बैठो। थैंक यू सर। क्या है तेरी समस्या? समस्या कुछ नहीं है सर, फिल्म बनाने का वादा किया था ना आप। अरे, नोटबंदी की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है भाई। कहाँ कहाँ आग लगी है मैं खुद ही नहीं जानता। पहले से इतनी टेंशन चल रही है। दूसरी शादी की मैंने, पहली फिल्म की हीरोइन के साथ। नेक्स्ट फिल्म रिलीज के समय मीडिया के सामने लाने वाला हूँ, ऑटोमेटिक पब्लिसिटी मिल जाएगी। कैसा लगा आइडिया भाई? जी जी जी, बहुत बढ़िया सर। तो कब करना चाहते हैं सर? थाईलैंड में हनीमून के लिए जा रहा हूँ अभी, तो आने के बाद बात करते हैं। तब तक पहली पत्नी क्या करेगी सर? क्या कहा? मतलब भारत बहुत छोटा है ना, इसलिए कह रहा हूँ सर। आप ही ऐसा कहेंगे तो फिर क्या होगा सर? फिल्म बनाते हैं, आओ कहा था इसलिए आ गया मैं। देखो, नए लोगों पे भरोसा नहीं कर सकता, पैसा लगाना रिस्क होता है। स्टार्स को लेकर फिल्म बनाऊंगा तो पैसे भी आएंगे। देखो, ये हिंदी फिल्म के डायरेक्टर हैं, बड़ी बड़ी फिल्मों को डायरेक्ट किया इन्होंने। नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेरे लिए करने जा रहे हैं अभी। एक आध साल के बाद आओ तो फिर कहानी सुनूंगा, अभी जाओ। सर आप कौन? हम इस फिल्म के हीरोज हैं। चलो जाओ। तुझसे कह रहा हूँ। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही खतरनाक आदमी है।
जीवन में अनुभव जरूरी है, अनुभव ही जीवन नहीं होना चाहिए। मेरा गुस्सा, लाचारगी, निरंतर हार से तंग आ चुका हूं। मेरी कहानी भगवान को भी बोर करने लगी। जीतने वालों से ज्यादा हारने वालों का तजुर्बा ज्यादा होता है। एक हार के पीछे बहुत सी कोशिशें होती हैं, एक जीत के पीछे बहुत सी हार जुड़ी होती है। जीवन का मतलब है हमारी लाश को खुद ढोना। आप लोग, हम इस फिल्म के हीरोज हैं। हाँ, क्या यार, हमारे डायरेक्टर सर नहीं दिखाई दे रहे हैं? बेचारे स्क्रिप्ट सुना रहे होंगे, पता नहीं। आप लोग फ्रेंड्स हो क्या? ए, नहीं नहीं नहीं, हम एक्चुअली उससे भी बढ़ के हैं। और आप? सर, मैं एक्चुअली म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। एक सॉन्ग कंपोज करके आया था सुनाने के लिए, लेकिन वो घर पे नहीं है। लेकिन कौन से पॉट में कौन सी की मिलेगी मुझे पक्का पता है, वो भी घर के अंदर से। आपको कैसे जानते हैं वो? हम दोनों एक दिन एक ऑडिशन पे गए थे, वहां पे हम तीनों की मुलाकात हो गई, ऐसे हुई हमारी पहचान। सेलेक्ट होने की वजह से हम तीनों की दोस्ती हो गई। मैंने चैलेंजिंग स्टार सलमान खान का डायलॉग बोला, लेकिन उन लोगों ने मुझे भगा दिया यार। और मेरी सुनो, डब स्मैश को एक्टिंग समझ लिया था, लेकिन वहां जाकर कैमरे के सामने जीरो। लेकिन उनकी लिस्ट में ना हम तीनों थे। हेलो, रिजेक्टेड लिस्ट में। वैसे आप कोई सॉन्ग रेडी करके आए ना? जी हाँ सर। तो सुनाओ ना यार, हम लोग सुनते हैं, क्या दिक्कत है? नया स्टफ है मोनिका डार्लिंग। बैठ कर सुनाओ बॉस। नया स्टफ है मोनिका डार्लिंग, रोल करने की पेपर, कलरफुल की मिठाई है ये, दुनिया ही कलर कलर है, अरे यह वहाँ स्वर्ग है, क्लब पार्टी सुपर है, उसके बाद यह है हैंगओवर है, हैंगओवर है। अपने गुस्से को बर्दाश्त ना करते हुए उसको मैंने शूट कर दिया, ऐसा मैंने सिर्फ सोचा था, ये तो सिर्फ मेरा भ्रम था। बॉस खत्म हो गया क्या? हो गया सर। सुपर सुपर, थैंक यू सर, मैंने बनाया। जिसे बार बार लव होता हो उसके लिए कोई सॉन्ग है क्या? सुना ना, अलग अलग लड़कियों के साथ वाला है ना? हे, वही तो बोल रहा हूँ यार। मेरी एक नई लव स्टोरी शुरू हुई, वो कब मेरा साथ छोड़ देगी मैं खुद नहीं जानता। मेरी भी सेम फीलिंग है यार। इज इट? लड़कियां शायद एक ही माँ की बच्ची हो सकती है, मेरा मतलब है धरती माँ की संतान हो सकती है। तो ऐसे बोलो ना बॉस। उनकी फोटो आपके पास है क्या? अच्छी है, सुपर है। ये दोनों क्या सलमान और शाहरुख के फैन हैं क्या? इतनी जोरदार फाइट कर रहे हैं आपस में, बाप रे। रुक जाओ यार, क्यों झगड़ा कर रहे हो यार? इन दोनों की लव स्टोरी का कनेक्शन एक ब्लैक एंड व्हाइट का फ्लैशबैक सुनने का समय आ गया। फ्लैशबैक का मतलब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रहेगा, कलरफुल रहेगा। अरे अब तक आया क्यों नहीं यार? मैं अपनी लवर से शादी करने के लिए निकला ऑन रोड। ए, कितनी देर लगा दिया यार तूने आने में?
ए पुजारी आना। क्यों रे इतना लेट क्यों हो गया? अबे इसे पकड़। हाँ चल दे दे। तू भी ना। चल बैठ जल्दी। चल। हमेशा देर करता है। अबे यार, आज तो तेरी शादी है यार, जल्दी आना चाहिए था ना। ऑलरेडी कानून को अपने हाथों में लेकर तुम दोनों की शादी करवा रहा हूँ, समझा? क्या पुजारी, आज मेरी शादी है ना, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। पता नहीं मेरी लाइफ में क्या होने वाला है यार। ए पुजारी, अभी तो मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ यार, ढंग से मुझे फोन चलाना भी नहीं आता है यार। ए बैंगलोर में ही शादी करवा देता ना, सोमर पेट जाने की क्या जरूरत थी? आखिर वहाँ जाने का मकसद क्या है? ऐसा कुछ नहीं है यार, सुन ना, वहाँ चारों तरफ हरियाली है, बीच पे शादी करनी है, और वो भी उस दिन उसका बर्थडे हो। अच्छा हुआ चारों तरफ पानी होना चाहिए। हा? ये कैसी मुसीबत है यार, पीछे पानी से भरा हुआ कुआं और सामने खाई। तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है कि लव के चक्कर में नहीं पड़ा तो बहुत अच्छा हुआ। ए, तेरे से लव ही कौन करेगा बे। हेलो, चाहे कुछ भी हो जाए ऐसा प्यार मुझे नहीं चाहिए यार। वैसे तेरी लवर तो आ रही है ना? She is coming by train यार, बस में आने से मना किया है, फिर भी मुझे डर लग रहा है यार। बच्चे होने के बाद ना सारा डर चला जाएगा। ठीक है ठीक है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता हूँ, गाड़ी साइड में लगाता हूँ क्योंकि फोन करना है। ठीक है ठीक है, लगा दो। तो सिंगर बन गया यार। ये ककड़ी कितने में दिया? दो ककड़ी देना। लड़की मस्त है, एंजॉय करें क्या? वहां देख यार, चल यार चल। निवाला अपने हाथ से निकल गया यार। चलो ढूंढते हैं। हाँ बस तो दिखाई नहीं दे रही है।
हेलो हेलो शिट अरे वो देख यार कितनी मस्त लड़की है यार हाँ? रिवर्स लेता हूँ पीछे लेता हूँ रुक 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 आराम से हेलो हाय एनी हेल्प इसे आप अपना छोटा भाई समझ सकती हैं और मुझे अपना फ्रेंड समझिए मेरी मार्क्स कार्ड चोरी हो गई है ए मार्क्स कार्ड लेकर यहाँ मेन रोड पे क्या कर रही हो यहाँ कोई रोड साइड में फुटपाथ पे इंटरव्यू ले रहा है क्या हाँ? मैं चाय पीने गई थी मेरे आने से पहले बस निकल चुकी थी मेरे ओरिजिनल मार्क्स कार्ड सारे उसी में रह गए ओहो एक्चुअली आपको जाना कहाँ है सोमवार पेट आपका कार्ड आपको मिल जाएगा हाँ डोंट वरी वो कार्ड आपका ही है ना हेलो नंबर बता देती एटलीस्ट थैंक्स तो बोल देती स्टॉप 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 अरे आप कौन है चलो 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 अरे क्या चाहिए आपको थोड़ा पानी दे दो पानी ये लीजिए मैं अपनी डैडी की कार लेकर लड़की देखने के लिए चित्रदुर्गा जा रहा हूं ये लड़की कौन है इंटरवल के बाद तो आई है पानी पीकर ऐसा लगता है जैसे नशे में आ गई हो सोने दो सफर में अगर कोई लड़की साथ में हो तो सफर का मजा भी आता है लेकिन जरूरत है एक गाने की क्या यार तूने कहा था कि टाइम अच्छा चल रहा है मेरा देख राजू पंचांग में ना तेरी गाड़ी पंचर होगी ऐसा नहीं लिखा था यार शादी तेरी लवर तेरी पंचर होने वाली गाड़ी भी तेरी तो मुझे क्यों दोष दे रहा है चल चुपचाप ट्रेन से आने के लिए कहा था यार क्या पता कि उसका बाप वहां पर जॉब करता है कॉल कर रहा हूं तो उसका फोन नॉट रीचेबल बता रहा है ये सारा कुछ तेरी पंचांग की बुक को नहीं पता था क्या चल गाड़ी को धक्का मार ए मंत्र पढ़वाना चाहते हुए नहीं धक्का दूंगा तो मेरी एनर्जी डाउन हो जाएगी यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं पता नहीं किसकी पनौती लगी है मेरी उम्र की सिचुएशन मैच नहीं कर रही है यार मेरी उम्र भी ना आखिरी स्टेज पे आ गई है हेलो पंचर बनाओगे क्या हेलो हम ऐसी बॉडी पर पंचर नहीं डालते ओनली गाड़ी को जोक था क्या नहीं नहीं मजाक किया मैंने भी गाड़ी का ही कहा था पंचर हैं हाँ हो जाएगा यार पंचर बना देगा ना ये हाँ हो जाएगा यार सच में मैं पहली बार थका हूँ आज हाँ ठीक है साइड में डालो गाड़ी को क्या बोल रहा है ए, 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 हाँ? ये तो गाड़ी की हाइट का भी नहीं है अगर हमने इसे गाड़ी को साइड में करने के लिए बोला ना तो गाड़ी इसके ऊपर गिर जाएगी तो मुसीबत हो जाएगी तू खुद ही कर दे कह रहा है भाई पंचर बनवाने के चक्कर में मर्डर हो जाएगा इसका आने दो जल्दी बहुत काम पड़ा है यहाँ पर अभी। हाँ बस बना यार जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बना इतना गंदा पानी हद है अरे 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 वो पीने का नहीं है भाई धोने का है बताना चाहिए था ना पूछना चाहिए था ना अच्छा भाई नाम क्या है तुम्हारा लंबू लंबू क्या साइज का नाम के साथ मैचिंग नहीं हो रहा है अब ठीक है कितने बच्चे हैं ओनली 3 मेंबर्स तीन बच्चों का बाप ये बटला और पत्नियां ओनली 2 मेंबर्स उनका नाम क्या है
रम्या रचिता। रम्या रचिता, तननम तननम। ठीक है, बच्चों का नाम क्या है? सुदीप, दर्शन, यश। सुदीप, दर्शन, यश, क्या? ओ, पूरी सैंडलवुड ही इस बटले के घर में। यार, तुम्हें एक बात पता है क्या? मुझे बहुत कुछ पता है। लेकिन मेरा विषय तुझे पता नहीं होगा। हमारा सुकून हमारे हाथों में होता है। सिंगल मीनिंग डायलॉग है यार। आइए सर, गाड़ी रेडी है सर। दीजिए सर। ठीक से पंचर बना दिया ना? हाँ सर। ₹100, 200। ये लो, ₹10। सिर्फ ₹10 दे रहे हो? ठीक है, ये लो और ₹10। क्या ₹20? सर, हाइट देखकर मत दीजिए सर। काम काम, पंचर चेक करके पंचर बनाया है। ₹50 दीजिए सर। ₹50? एक पंच मारूंगा तो जाके दीवार में चिपक जाएगा साले। ए, कौन सा काम किया रे, 50 मांग रहा है? ए, व्हील खींचने वाला मैं था। अच्छा? बोल्ट निकालने वाला मैं था। तेरे छोटे से काम के लिए ₹20 भी ज्यादा है। चल रख ले, चल। सर सर, ₹50 दीजिए सर। चलो चलो सर 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 सर, ₹50 दीजिए ना सर। तेरी अरे तो सर सर सर, मेरी दो पत्नी है सर, समझने की कोशिश कीजिए सर, प्लीज सर सर सर, प्लीज सर। ये लोग उसी टाइप के हैं, बच गया मैं। थोड़ी देर में चित्रदुर्गा आने वाला है। ओह नो, प्लीज स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अरे अरे अरे, रुकिए मैडम, रुकिए रुकिए रुकिए, जरा फोन देना, जल्दी फोन दो। कुछ भी हो, लड़की तो कमाल की है। हेलो। हेलो, कौन है? हेलो काव्या। काव्या, मैं गीता बात कर रही हूँ। वो मुझसे मिला भी नहीं और शादी भी नहीं की। गीता, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल ट्राई कर रही हूँ, पता है तुम्हें? मैंने तुमसे उसी दिन कहा था, उसे प्यार मत करो, वो सही लड़का नहीं है। मेरी बात नहीं माना तुमने, अब तुम्हें ही सामना करना होगा। अब मैं क्या कर सकती हूँ बताओ? लोग कहते हैं कि हंसने वाली लड़की के पीछे मत जाना। अरे यहाँ मुझे देखो, रोने वाली लड़की को अपने साथ लेकर के जा रहा हूँ। पहले इसकी प्रॉब्लम समझते हैं, फिर उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आंसू का भी इंश्योरेंस होता तो कितना बढ़िया हो जाता। नहीं नहीं, अपनी लवर को भी मैंने ठीक से नहीं छुआ था। मेरे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और अब ऊपर से इस लड़की की प्रॉब्लम्स। हे भगवान, जो कुछ भी मंत्र आता है पढ़ता जाऊंगा। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो गाली मत देना, शाप तो कभी मत देना। ये कमीना तो सुबह सुबह दूल्हा बनकर, सर पे पगड़ी पहनकर, हाथों में फूलों की माला लेकर खड़ा है, और इसकी लवर अभी तक नहीं आई है। इसकी कब शादी होगी क्या पता। क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। इस साले की सिचुएशन देख के लगता है कि शादी जिंदगी में कभी नहीं करनी चाहिए। आराम से ब्रह्मचारी बनकर रह जाऊंगा। अपने किसी लड़के को फोन करके उसके घर के पास जाके पूछताछ करने के लिए बोलना। मैंने छोटू को भेजा है यार। अरे उसे क्यों भेजा यार? अरे उस मोटू को बोलना चाहिए था, बिना काम के फोकट में बैठा रहता है। ए छोटू, मैं तुझे एक नंबर दे रहा हूँ यार, उससे लड़की की आवाज में बात करना कि वो कहाँ है, प्लीज यार। रुको 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 रुको, क्या पिलाओगे पहले ये तो बता दो यार। अरे यार, अभी मैं बहुत टेंशन में हूँ। मुद्दे पर आओ यार। ज्यादा बोलेगा तो तुझे एसिड पिला दूंगा, मैं सच कह रहा हूँ। प्लीज यार, मजाक मत कर यार, पूछना।
ठीक है, आई डोंट लाइक बैगर्स। क्या यार, उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? शाम होने जा रही है, कहां चली गई यार, क्या हुआ उसे? हे भगवान। हाँ छोटू, बोलना भाई। अरे राजू, पता चला कि वो सुबह से घर में ही नहीं है यार। ए, क्या हुआ यार? यार वो सुबह से घर ही नहीं गई है। थू, इधर आ। क्या है यार? अरे देना यार। शाबाश, आप तेरी शादी कैंसल। अरे कुछ नहीं होगा आपको, दिल की चोट का मरहम नहीं है लेकिन शरीर का है, चिंता मत कीजिए, आप एकदम ठीक हो जाएंगे चुटकियों में। Superb. हाँ? What? Scenery. लड़के हमेशा गलत ही समझते हैं। चिमी, ये बिस्किट का रैपर खोल के दो। उस दिन मैं राज से शादी करने के लिए घर से आ रही थी तब तो ये स्टोरी है। आपकी स्टोरी में थोड़ी खुशी है और थोड़ा गम है। हमारी जिंदगी एक आईने की तरह है, हम हंसते हैं तो हंसती है और रोते हैं तो रोती है, बस यही जिंदगी है। ये जिंदगी एक तरह की। बस बस रुक जाओ, आजकल के लड़कों को सिर्फ सेक्स चाहिए और हम लड़कियां बिना सोचे यकीन करते हैं, बिना सोचे धोखा पाते हैं, लड़कों की प्यारी प्यारी बातों में आकर जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। हम आग में कूदकर सीता तो नहीं बन सकते, वैसे ही आप जंगल जाकर राम नहीं बन सकते। Hello. लाइफ एक तरह की। अपनी फिलॉसफी बंद कीजिए, वो सब भूलकर मुझसे शादी करेंगी आप? कहते हैं खामोशी का मतलब हाँ होता है, तो इस खामोशी को क्या समझूं? अरे तालाब तो यहाँ है, आप कहाँ जा रही हैं? डूबने के लिए क्या? अरे रुकिए रुकिए, मजाक किया था मैंने, आपको ऐसे हंसाने के लिए कहा था। मैं सीरियसली ले चुकी थी। अरे कौन है यार इस समय फोन कर रहा है? एक मिनट,
हेलो, क्या हुआ बेटा, लड़की को देखा क्या? देखा पापा, लेकिन मेरे फ्रेंड ने बताया तुम उसके घर गए ही नहीं। अरे चुप रहिए पापा, मैं आ जाऊंगा ना। अरे बेटा सुनो तो। आइए चलते हैं। दोनों का जरूर कोई लफड़ा है। अरे कौन है ये लड़का, फेसबुक पे लाइव आकर मारने की धमकी दे रहा है। अगर वो मर गया तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। होशियार है ना रमेश? अब क्या करें सर, इस फालतू मोबाइल पे जब से फ्री इंटरनेट देना शुरू किया है ना, तब से फेसबुक पे लाइव आने वाले, वीडियो अपलोड करने वाले सिर्फ ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं सर। अरे मरने वालों को मरने दीजिए सर। होशियार है ना रमेश? कोई बात नहीं है सर, आप चिंता मत कीजिए, एरिया तुम्हारे अंडर में आता है, मैं देख लूंगा सर। हमें यहाँ पर क्यों लाया गया है सर? पुलिस स्टेशन वो लोग आते हैं जो चोर होते हैं या फिर झूठे होते हैं, पॉलिटिशियंस। इन दोनों में से आप कौन हो? ए, कौन है ये लोग? सर लड़की रोते हुए भाग रही थी, ये लड़का इस लड़की के पीछे भाग रहा था और वैसे भी सुसाइड प्लेस था, डाउट हुआ तो इसलिए लेकर आया सर। कौन सा गाँव है आपका? बेंगलुरु सर। घर से भाग के आए हो? जी हाँ सर। नहीं सर। वो हाँ बोल रही है, तुम ना बोल रहे हो, क्या लव है क्या? जी हाँ सर। नहीं सर, मैं लव करता था लेकिन अब नहीं करता हूँ सर। ए, क्या ये, पहले करता था अब नहीं करता हूँ, ए कमीने मार मार के अंदर डाल दूंगा। सर सर सर, मेरा लव दूसरी लड़की के साथ है, इससे मेरा कोई लव नहीं है सर। मतलब लव पहली लड़की से करके और भागा दूसरी लड़की के साथ? हाँ सर। शट अप। शादी करने के लिए भाग कर आई हूँ सर, लेकिन ये वो नहीं है, वो एक बड़ा टपोरी है सर। क्या टपोरी है? शादी एक के साथ और बर्बादी दूसरे के साथ? हाँ ए, देख क्या रहा है, अंदर कर दो दोनों को। हमारे पुलिस स्टेशन में लेडी कांस्टेबल नहीं है, कानून के खिलाफ है। ओ, कानून के खिलाफ है। ए, इन दोनों को बाहर भेज दो। ए छोटू, चाय ले क्या? ये भगवान, अब फाइट स्टार्ट होने वाली है। ये पुलिस वाले ऐसे ही होते हैं। अब मैं क्या करूं? आप बेंगलुरु में कहां रहते हो? हाँ? ये लोग कौन है? हाँ? मैंने बताया था ना, वो यही लोग हैं। ओ, मेरा ज्योतिषी कहा करता था, तेरे शरीर में तिल है ना, तेरी हर ख्वाहिश पूरी होगी, इसलिए आज क्या याद दिला दिया यार, चल एक कॉस्टली शराब पीते हैं। ठीक है भाई, शराब तेरी कबाब मेरा। तुमने स्कूल या कॉलेज में रनिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया है क्या? क्यों? तो फिर भागो। कितने का दिया अंकल? धनिया 10 का है और बैगन 50 रुपए किलो, क्या चाहिए बोलो। हाँ ओए,
ए पुजारी, ये बियर बॉटल कहाँ से लेके आई यार? ये शादी नहीं होगी, मुझे पता था। इंटरेस्ट सन, ब्यास का बेटा बे। मैं तो तेरी शादी होने की खुशी में हैप्पी सॉन्ग गाते हुए पीने के लिए ये बॉटल लेके आया था यार। मुझे क्या पता था तेरी सिचुएशन एंड्रॉइड फोन में बिना इंटरनेट के जैसी हो जाएगी। जब जरा पीता हूँ ना तो फीलिंग सॉन्ग सुनने का मन करता है। जितनी जल्दी हो सके भट्ट साहब से कांटेक्ट करके एक फीलिंग सॉन्ग फटाफट लिखना होगा। हाँ हाँ यार, लिखते हैं। मैरिज कॉन्सेप्ट बता करके उसने मेरा दिमाग डिस्टर्ब करके पार्क, सिनेमा, कॉफी हाउस, मॉल हर जगह लेके घूमा यार। घूमा के शादी का वादा करके डिस्टर्ब करके मंडप में बैठ के मंगलसूत्र पहना कर लाइफ लॉन्ग एक लड़की के साथ जिंदगी बिताने की सोच लिया था, लेकिन फिर उसने मुझे धोखा दे दिया। ए पुजारी, मैंने ये सोचा था कि मेरी शादी होगी, तू मंत्र पढ़ के मेरी शादी करवाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई। सब धोखेबाज है, सब धोखेबाज। हेलो हेलो, तू बहुत ज्यादा हाइट पे खड़े होके बात कर रहा है, समझा? अगर थोड़ा भी पीछे चला जाएगा ना तो तेरा सर फट जाएगा, गिरने से बेहोश होने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए चुपचाप तू बैठ जाए। बैठ गया, बैठ गया। ले भाई चल। देख यार, तेरी लवर जो है वो भाग गई या फिर यहाँ नहीं पहुंची तो उसका कारण मैं हूँ क्या? फिर तो मुझे क्यों गाली दे रहा है? अबे मैं कहाँ गाली दे रहा हूँ, रो मत यार। क्या कर रहा है यार? जब मैं दोबारा शादी करूंगा तब तू ही पुजारी रहेगा। फिर भी बहुत तकलीफ हो रही है यार, इस वजह से मैं शराब पी रहा हूँ। सही कहा, दूध पीने वाले बच्चे को शराब पिला दिया, इतना मासूम और कहाँ मिलेगा। वैसे वो क्यों नहीं आया यार? दो रीजन हो सकते हैं। मैं एक रीजन जानता हूँ। देख यार, ये लड़कियाँ ना अपना कमिटमेंट कभी पूरा नहीं करती। नहीं, एक तो उसका मन बदल गया होगा या फिर मेरी जगह कोई और मिल गया होगा। हेलो बॉस, मुझे लग रहा है कि तू आउट ऑफ फोकस बात कर रहा है यार। नहीं, मुझे कुछ ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। देखो यहाँ पास आके बात कर। ठीक है, मैं यहीं बैठता हूँ, फोकस में आके बात करता हूँ। देख यार, अभी फोकस में आया ना, एक सच बात बताऊं क्या? बोल। मेरे माँ की कसम, तेरी बोली हुई एक भी शब्द मेरे समझ में नहीं आया यार। समझ में नहीं आया? क्या बात कर रहा है? सच में तू बूढ़ा हो गया यार। कल से मैं किसी भी लड़की का ना पीछा करूंगा, ना फेसबुक पे लाइक कमेंट्स, कुछ भी नहीं करूंगा। इस दिल का कोई पंचर नहीं बनाता है क्या? अबे मेरा हार्ट ना ट्यूबलेस टायर है, पंचर नहीं होगा। चल अभी बैंगलोर चलते हैं यार, यहाँ रहूंगा तो तड़पता रहूंगा। चल अब मुझे नहीं तड़पना, चल चलते हैं। हेलो, मेरी आंखों की लाइट ना थोड़ी धुंधली हो गई है यार, इस वक्त में जाएंगे तो बहुत डेंजरस होगा, यहीं पे सो जाते हैं, कल सुबह चलते हैं। अबे तड़प मुझे हो रही है या तुझे हो रही है बे? तेरी है बाप। तो गाड़ी तू चलाएगा, चल। तू मना कर यार, तो चल। चलूंगा। ये सुनना, वो गीता जैसी दिख रही है क्या? ए तू नशे में, चुपचाप बैठना। ए पुजारी, तू कभी लव मत करना है यार, कभी मत कर। मैं कसम कभी नहीं करूंगा, उससे कोई सेट ही नहीं होगी बे, सच कह रहा हूँ। मुझे सब कुछ पता है। टैंक खाली करना यार, साइड में लगाना। अरे अरे, मैं भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ यार, क्यों परेशान कर रहा है यार? क्यों बे, मजा आ रहा है ना?
सुपर। ए, मुझ पे क्यों कर रहा है? उधर घूम, उधर घूम। दिल पे मत लेना यार। नहीं नहीं जाने दे यार, दिल पे मत लेना बस। अरे नहीं मेरे भाई, सॉरी यार। शराब पीने का टाइम इतना मजा नहीं मिला था। यार किसी ने लाइट ऑन कर दी। लाइट ऑन कर दिया क्या? अरे किसने क्यों ऑन किया होगा? ऑफ करने के लिए बोला। लाइट ऑफ कर भाई। ए लाइट ऑफ कर, लाइट ऑफ। बात करता हुआ ड्राइव करता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है, लेकिन आप सो चुकी थी, मैं भला किससे बात करता। ठीक है, अपने आप से बात करूंगा। गीता, आप अलग हैं, मैं अलग हूं। हमारी मुलाकात हुई, हमने साथ में समय भी बिताया, कुल मिलाकर आप मुझे पसंद आ गईं। आपका ये जो चटपटा तेवर है ना, वो मुझे पसंद आ गया। देखो गीता, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बगैर मेरी जिंदगी जीरो है, एकदम जीरो। देखिए, ये लव करके घूमना फिरना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आई बिलीव इन मैरिज। विल यू मैरी मी? अरे गाल पे थप्पड़ मत मार दीजिएगा, सॉरी। मेरी इन बातों को मजाक में मत लीजिएगा, सीरियसली बोल रहा हूं मैं। जिंदगी का ये है सफर, देखो कितना सुहाना सफर। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या धुनती और क्या बना दिया मैंने। हेलो हेलो हेलो, कौन है यार? कल ही तो मैंने ड्रॉप किया था यार, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? जाओ ना यार, जाओ। गुड नाइट। हेलो, मॉर्निंग है ये, नाइट नहीं जनाब। आप बेड पर नहीं, घास पर सो रहे हैं, और वो भी मेरे घर के सामने। हाँ, अरे थोड़ी देर और सो जाता तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता यार। ए चल उठना, पता नहीं कितना सोएगा। जाने मन जाने जिगर, बचा ले मुझे, बचा ले। ये कौन है भाई? ये कल ही तो ड्रॉप किया था इसे। भाई ये तो मेरा खो गया था, मैंने इसे खो दिया था। आप ही कह रही थी ना, आप यहाँ कैसे? हेलो, ऐसा मैंने उस परेशानी में कहा था, वो अलग था, ये अलग है। अच्छा तो आप दोनों यहाँ क्यों सोए थे? वो क्या है, मेरे छोटे की शादी थी। ऐसी कोई बात नहीं थी, ये ना ऐसे ही बकता रहता है। सुनिए, कल हम एक शादी में गए थे। एक्चुअली क्या है कि वहाँ अच्छी खासी पार्टी चल रही थी, तो थोड़ा ओवरडोज हो गया। वो तो हम यहाँ अनलोड करने के लिए आए थे। अरे छी, ऐसा नहीं है, वो बस ऐसे ही आपके घर के सामने नींद आ गई तो सो गए, है ना भाई? ठीक है, फेस वॉश कर लीजिए, मैं कॉफी लाती हूँ। चलिए यार। अरे यार, ये फेस वॉश कहानी तो ठीक है, बेस वॉश की कहानी का क्या? अबे तेरी तो। अरे नहीं, चल चल चल, संभल के देखे आइए। हाँ, हम संभल के ही आ रहे हैं। ए भगवान। ए आना यार, आना यार, आजा आजा आजा। अरे आना यार। अरे क्या कर रहा है भाई, ऐसे सुनसान घर में अकेली लड़की? सिर्फ हम दोनों को ही घर के अंदर बुला रही है, मतलब मुझे कुछ गलत लग रहा है यार। चुपचाप खड़े रह। क्या सोच रहे हो, घर के अंदर अकेली लड़की है ये सोच रहे हो?
आइए, मेरी माँ भी घर के अंदर है। देख तू अपना ज्यादा दिमाग मत चला, चुपचाप अंदर चल, शहर का दिमाग यहाँ नहीं काम करेगा। नहीं यादव, तो ही ठीक था। थैंक यू सो मच, मेरे लिए तुमने बहुत रिस्क उठाए। hey, ऐसा कुछ नहीं है, पता है आपके साथ बिताए पल मुझे जिंदगी भर याद रहेंगे। ओह, ये हमारी आखिरी मुलाकात है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा मिलते रहेंगे, सदैव मिलेंगे हम। बाय। नाश्ता तो बहुत अच्छा था यार, है ना? मैंने तो प्लेट भर के खा लिया। अरे यार, क्या हुआ? बिना कुछ लिए बैंगलोर जाएंगे तो हमारे शान के खिलाफ होगा ना। हाँ, बोल ना। तो थोड़ा पैसा मांग लेना यार। मांग लेना। तुम दोनों जा रहे हो क्या? हाँ, पेट्रोल भराने के लिए पैसे नहीं है तो हमने सोचा मैं तुमसे कुछ पैसे ले लूं। वो हर महीने मैं तुम्हें इंस्टॉलमेंट में देता रहूंगा, या फिर तुम बैंगलोर आओगी तो बस टिकट बुक करवा दूंगा मैं। तो अगर थोड़े पैसे मिल जाते तो अच्छा होता। हाँ, मैं जाकर लाती हूँ। आप चिंता मत कीजिए, अगर इसने बुक नहीं किया ना तो मैं 2 लात मार के बुक करवा दूंगा। ए, चुप रहना, बकवास करता रहता है। मेरे भाई, ये लीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, थैंक यू, दोबारा कभी नहीं आएंगे। बहुत अच्छी लड़की थी ना ये। खूबसूरत लड़कियां तुझे हमेशा अच्छी ही लगती हैं। चुपचाप चलना यार। फिर भी लड़की मस्त थी। ए, वो लड़की फेसबुक पे है क्या? नाम क्या यार? नंबर लिया क्या? मुझे भी पास करना यार। चुप रहेगा या फिर उतारूं तुझे? जाने दे, चल ठीक ही है। वो दुकान के पास जरा साइड करना, दम मारते हैं। 2 सिगरेट देना भाई। ये ले सिगरेट मार। मुझे नहीं चाहिए। ए, ऐसे शकल क्यों बनाई है यार? फालतू में टेंशन मत ले यार, बेंगलोर जाते ही एक सुपर दिखने वाली लड़की से दोस्ती करवा दूंगा तेरी, फिर से लव कर लेना। मुझे फिर से लव हो गया यार। फिर से लव हुआ? कब हुआ, किसके साथ? वही जिससे अभी हम मिलके आ रहे हैं। उस नाश्ता वाली के साथ? चल मेरे भाई, चल। दादाजी, आपको कभी प्यार हुआ है क्या? हुआ था। कब हुआ? 3 बच्चे होने के बाद। 3 बच्चे होने के बाद? ठीक है, मैं जाके आता हूँ। लगता है दादाजी कोई स्ट्रॉन्ग टेबलेट लेते होंगे। चल यार, चल चल चल। फिर से मुझे लव हो गया। ए, हैंडल पकड़ यार। क्या हुआ? हेलो, आपकी लड़की का फोन आया होगा। मुझे उसके माँ के गुजर जाने की खबर मिली। एक लड़की के आंसुओं को मैंने पहली बार देखा। इस सिचुएशन में मैं तुमसे क्या बात करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं इस सिचुएशन से कभी नहीं गुजरा ना। हे, बुरा मत मानना प्लीज। हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कैसी बात करूं। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो प्लीज बोलो ना। तुम मेरी इस दुनिया में
सिर्फ मेरी माँ थी, अब वो भी नहीं रही। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ओह, कंफ्यूजन में हो क्या? एक सेकंड, टॉस करके देखता हूँ। ये देखो टेल आया है, तुम भी मेरे साथ बैंगलोर चलो और हम साथ में अपनी जिंदगी बिताएंगे। क्या? हे, इतनी शॉक क्यों हो रही हो? यहाँ अकेले रहोगी क्या? हे, सॉरी यार, अकेले यहाँ कैसे रहोगी तुम? हाँ, टाइम को देखते हुए मुझसे बात करनी नहीं आती है, पेपर में जवाब भी नहीं लिख पाता, इसलिए हमेशा पढ़ाई में जीरो ही रहा हूं मैं। बैंगलोर में कोई ऐसा है क्या जो तुम्हारे दिल के काफी करीब हो? मैं बैंगलोर में एक लड़की से प्यार किया करती थी। हाँ? क्या हुआ? लगता है अंदर कुछ टूट गया। आगे बताओ क्या हुआ। लेकिन मेरी और माँ की परवरिश करने वाले सेठ जी के भाई के साथ मेरी माँ शादी करवाना चाहती थी, इसीलिए मैं यहाँ आई थी। अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूँ। ओह, तो बैंगलोर का एक लड़का तुम्हारा ऑलरेडी दिल तोड़ चुका है। तो उस लड़के को दूसरी लड़की मिलने से पहले तुम बैंगलोर चलो ना। लेकिन परवरिश करने वाले भाई का क्या होगा? थू, वो सब भूल जाओ, मैं सब देख लूंगा। सुनो, लड़कियों के साथ ईमानदारी से रहने की आदत मेरी तो नहीं है, बट तुम्हारी बात कुछ और है। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, सो मैं तुम दोनों को मिलवा कर फिल्म में कुर्बानी देने वाला एक मस्त हीरो बन जाऊंगा। चलो रेडी हो जाओ। हाँ ठीक है। इस लड़की की जिंदगी संवारनी होगी, वो भी अच्छे तरीके से। लड़की के वहां से निकलते ही उसका मामा आ गया। फाइट किए बहुत दिन बीत चुके थे। लेकिन उन दोनों ने फाइट की ही नहीं। लव कोर्ट है, आपने अपनी बहस को शुरू कीजिए। अरे यार, शराब पीने का टाइम हो गया है। लॉयर, हाँ। आप दोनों उसके बीच खड़े हो जाइए। कोर्ट में आ चुके हैं, मामला शुरू होने वाला है। आपकी इजाजत हो तो आप शुरू करूं? हाँ शुरू करो। वो कौन सी किताब है? सर ये तो देखो, कोई विवाद वाली किताब होगी तो न्यूज वाले तुझे और मुझे पकड़ लेंगे, बाद में हमें मुश्किल हो जाएगी। सर ये इंग्लिश डिक्शनरी है, एवेन्यू रोड से लेकर आया हूँ सर। गो अहेड, मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, और वो भी शुद्ध हिंदी में। अगर कुछ भी कम ज्यादा हुआ तो एडजस्ट कर लेना। करते हैं। सुनो, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, लोग है ना क्लाइमेक्स का इंतजार कर रहे हैं। अरे चुप रहो यार, वो क्या बोलने वाला है? मैं तुम्हें सच बताता हूँ, और वो भी हिंदी में बताऊंगा मैं। अगर कम ज्यादा हुआ ना
तो आप दोनों जिम्मेदार होगे। अच्छी बात है महाराजा जी। ए, बिना पिए ही बहक रहे हो क्या? देखिए डायरेक्टर जी, मुझे एक डाउट है। ये पहले से ही लव में फेल होने वाले लड़के हैं, अगर कुछ गलत कह दिया तो? हाँ हाँ, बम्पर एग्जाम शुरू करो। हाँ सही कहा आपने। अरे स्केल होता तो नाप लिया जाता। अगर ज्यादा हो गया तो फंस जाऊंगा यार। ये लो दे दो। पी जाओ क्या? ब्रो थोड़ा सा, ब्रो थोड़ा और, थोड़ा सा। मैं हूँ राज। राज को कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है, सॉरी। 4G आने के बाद बस पासिंग मार्क्स ही मिले हैं मुझे। बिना पास किए हुए बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। फिर भी गणित का एक्स ना जानते हुए भी XXX तक पहुंच गया हूं मैं। मैं हूं राहुल। मेरा प्यार तो शाहरुख खान AR रहमान के गाने की तरह है, सीधा सादा प्यार था मेरा। लेकिन अब जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। अब मुझे प्यार नाम के शब्द पे विश्वास ही नहीं रहा। इससे अच्छा तो सेल्फ डिपेंडेंसी है। सॉरी सॉरी सॉरी, काम को मैंने अपना कर्म समझा है महाप्रभु। hey, इनकी त्रिकोण वाली लव स्टोरी नहीं है यार, चौका है यार। ये तो टॉनिक बोतल है। इला दे, इला दे, इला दे, इला दे। टॉनिक को नीचे ऊपर से हिला दे, हिला दे, हिला दे, से मजा आएगा। मैं मैटर की बात कर रहा हूँ। मैं भी तो ही बात कर रहा हूँ। माय लॉर्ड, शराब के नशे में इन कमीनों ने क्या कह दिया मुझे, इतना भी समझ में नहीं आया। इस क्लाइमेक्स में इन कमीनों की स्टोरी के लिए एक क्लाइमेक्स चाहिए कहकर आप तुरंत मुझे सर। अरे पहले तो कहाँ था यार? सर पहले मैं वहाँ बैठा था, अब इधर आ गया हूँ। अरे वो नहीं यार, हम विषय पर कहाँ पर थे? सर जीवन नाम के एक सिनेमा में ये कमीना अपनी जवानी की पहली सीढ़ी चढ़ रहा था, मतलब टाइटल कार्ड सर, टाइटल कार्ड। और ये थू स्टोरी के एंड में अच्छा नाम दिखाकर खत्म करना बाकी है। ये वन लव स्टोरी का आप ही कुछ एक फैसला लेकर जजमेंट करिए। करूंगा करूंगा। ये अदालत ये फैसला करती है कि इसको इसी लड़की के साथ शादी करके रहना होगा, यही इसकी मौत की सजा है। उसको लवर से फ्रेंड बनकर पूरी जिंदगी रहना होगा, ये है इसकी उम्र कैद की सजा। देखो भाइयों, इस कोर्ट का जजमेंट यही है, मंजूर है? इस फैसले का खंडन करता हूं। अगर जज ना होता तो मार देता। बर्बाद हो जाओ, जाओ यार नालायक को बर्बाद हो जाओ। आ, 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 आ,
सर्व मंगल मांगल्य शिव सर्वाधि साधिके। ले लो बेटा, तुम भी लो बेटी। दोनों माला एक्सचेंज कर लो। मंगलसूत्र डालो बेटा, बांधो बांधो बेटा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलाय पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। डालो डालो अच्छे से डालो अक्षत को। हाँ जल्दी से आप दोनों को मेरी तरह, अरे नहीं 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 नहीं, तुम्हारी तरह दो दो प्यारे बच्चे हो। हैं सर, इस पुराने मंदिर के सामने एक नया विषय पूछ रहा हूँ। आपका लिखा हुआ क्लाइमेक्स यही है ना? क्लाइमेक्स बिल्कुल अलग है। तुम्हारा वेट करते करते थक गए। मेरा दर्शन तो हो चुका है। बेचारा भगवान। हाँ? क्यों? तुम्हारे नहीं आने से उदास हो गए थे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं और भगवान बिग बॉस हो गए हैं। जब भी देखो हम दोनों में लाइट कंपटीशन होता रहता है। मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। हाथ में क्या है? प्रसाद है क्या? दिखाना मुझे। हे, प्रसाद नहीं है, ये कुमकुम है। आओ इधर लगाती हूँ। हे, रुक जाओ रुक जाओ, ये ऐसे बैठ के नहीं लगाते, खड़े हो जाओ। खड़े होकर अगर कुमकुम लगाओगी तो मेरा और भगवान का दोनों का भला होगा। ये बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तुम अपनी आंख बंद करो या मैं अपनी आंख बंद करूं। बेटर है कि तुम अपनी आंख बंद करो। पुरानी बातों को याद करना ठीक नहीं है, अब सिर्फ खुशी की बातें होंगी। क्या कहती हो? देखो पहले ही बता देना, दोबारा बिछड़ कर मुझे सताना मत। हाँ, इस जन्म में मैं पक्का तुम्हारे साथ ही रहूंगी।